Aditya da, kindly, briefly, just kindly tell us about your entire journey with Discus and Nadiscus as well. Anirban bhai, thank you so much. जैसा आपका क्वेश्चन था कि आपका जर्नी कैसे चालू हुआ, ओके, सो उसका तो आंसर लगभग हर हॉबिस्ट का या हर ट्रेडर का सिमिलर ही होता है. सो सिमिलर वे में मेरा भी चालू हुआ है, ओके, ये हॉबी का जो सिलसिला है. सो पहले तो एक बाउल से ही चालू किया था जिसमें गप्पी वगैरह रखे हुए थे. सो धीरे धीरे उसको मैंने एक छोटा 3 फीट का टैंक लिया, फिर थोड़े सालों बाद 4 फीट का. अभी 4 फीट का टैंक लेने के बाद यार डिस्कस रखना है, डिस्कस की क्रेज पहले से थी बट बाय नहीं कर पा रहा था बिकॉज बहुत मैथ उसमें थे कि यार डिस्कस रखना बहुत मुश्किल है, मर जाते हैं, बाहर के फिश हैं, इम्पोर्टेड है, तो थोड़ा डर लगा रहता था. बट जैसे ही जॉब चालू हुआ, थोड़ा फाइनेंस स्ट्रांग हुआ, तो सोचा कि चलो यार डिस्कस का एक रिस्क ले ही लेते हैं. तो एक 4 फीट का टैंक बनाया, उसमें कुछ डिस्कस छोड़े और उनको ग्रो किया. थोड़े सा महीनों बाद उनको मैंने बेच दिया. सो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो हम लोग डिस्कस बढ़ा सकते हैं, उसको बेच भी सकता हूँ. सो कुछ कुछ अच्छे ब्रीडर जो है मुंबई में, तो उनसे फिर मैंने डिस्कस थोड़ा परचेस करना चालू किया और बढ़ा के उनको मार्केट में बेचना चालू किया. रिपीट ऑर्डर्स आने लगे, तो जैसे ही रिपीट ऑर्डर्स वगैरह आने लगे तो सोचा कि क्यों ना ये बिजनेस को थोड़ा एक कुछ नाम दिया जाए जिसके थ्रू प्रॉपरली चैनलाइज हो सके मेरा सेल्स भी. तो फिर क्या नाम देना, तो नाम सोचते सोचते मेरे दिमाग में एलीट आया. तो एलीट का मीनिंग है कुछ अलग, अलग क्वालिटी, ओके. सो मैंने एलीट डिस्कस नाम रख दिया क्योंकि कस्टमर्स का ही रिव्यू काफ़ी अच्छा था मेरे लिए और अभी भी है कि आपका क्वालिटी काफ़ी सुंदर है, आप काफ़ी अच्छा डिस्कस दे रहे हो, ओके. तो मैंने एलीट डिस्कस उसका नाम सोच के रखा हुआ. तो ये ओवरऑल आदित्य डिस्कस से एलीट डिस्कस तक का ये ओवरऑल जर्नी. वेल आदित्य दा, दिस इज वेरी इंट्रीगिंग टू नो दैट डिस्कस्ड वाटर चेंज व्हिच वी ऑल नो दैट सेलर्स they do the water change each and every day, that is daily, which we know that it's actually very good for their growth. But we also hear that this discus water change, daily water change, does actually diminishes the color of discus, which we hear from many a people. So if you could just kindly throw a light in this topic as to how far this is true, or whether actually daily water change is it actually good or bad for discus. So Anirban bhai, jaise aapka ye sawal hai ki daily water change karna kitna zaruri hai ya kitna zaruri nahi, uska positive impact aur negative impact on fish, to iska jawab main aise dena chahunga ki as a seller hamare paas फिश का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, ओके, और हम लोग फीडिंग उनको ज़्यादा करते हैं. सो जैसे ये ज़्यादा फीडिंग होता है, समझो हम लोग एनिमल हार्ट उनको फीड करते हैं, तो एनिमल हार्ट अगर फिश नहीं खाता है, अनईटन फूड कुछ टैंक में रह जाता है, तो उससे अमोनिया बिल्टअप होने के चांस बढ़ जाते हैं. सो वाटर चेंज करने का मतलब और मकसद यही है कि आप अपने वाटर्स में से, टैंक वाटर में से अमोनिया का लेवल जो है वो कम करो और ऑक्सीजन का लेवल उसमें बढ़ाओ ताकि फिश प्रॉपरली ऑक्सीजन ले सके और वो अच्छी तरीके से वहां पे स्विम कर सके, ओके. अगर वो ऑक्सीजन उसमें नहीं है या फिर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, अमोनिया बढ़ गया, तो फिश ऊपर आने लगेगा, फिर वो बाहर आके गैस्पिंग करने लगेगा, उसका जो गिल मूवमेंट है, ओके, वो फिर फास्ट हो जाएगा, ओके. और जो उसका ब्रीदिंग भी है, जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्लो मूवमेंट हो रहा है, वो भी उनका बढ़ जाएगा. सो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए डेली वाटर चेंज, मल्टीपल वाटर चेंजेस जो है वो किए जाते हैं. दूसरा पार्ट इसमें ऐसा है फॉर सेलर, आई एम सेइंग, अगर आपका खाना, अगर आप फीडिंग जो आप फिश को दे रहे हो, अगर वो
रेगुलर टाइम इंटरवल पे दे रहे हो, ठीक है, जैसे कि 2 बार 3 बार अगर दे रहे हो मैक्सिमम, तो मेरे ख्याल से वंस इन अ डे वाटर चेंज इज मोर देन इनफ। जो साइकिल अभी मैं खुद उसको फॉलो कर रहा हूँ, सो जो मैं फॉलो कर रहा हूँ मैं आपको वही अपडेट दे रहा हूँ। ये हुआ सेलर का। अभी एज अ हॉबिस्ट जब आप बोलते हो तो हॉबिस्ट मल्टीपल तरह का फीडिंग देता है, जैसे कभी वो ड्राई में कुछ देगा, फिर आपका मटन या फिर आप बोल रहे एनिमल हार्ट कुछ देगा, ठीक है, ब्लैक होम देता है, ठीक है। तो ये सारे जब भी आप फीड देते हो, और उनका फीडिंग बहुत लिमिटेड रहता है, मतलब अगर कोई वर्किंग बंदा है तो वो सुबह एक बार देगा और शाम को एक बार देगा। तो अगर आपका ऐसा शेड्यूल है सो डेली वाटर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको पॉसिबल है तो जस्ट टू रिमूव अमोनिया फ्रॉम योर वाटर यू कैन चेंज 20%। वेल आदित्य दा, ये एक चीज बोले कि दैट इज पीपल आर नाउ डेज दे आर एक्चुअली कीपिंग डिस्कस इन प्लांटेड टैंक्स, तो ये जरा बोलिएगा, आपका राय दीजिएगा एज टू हाउ फार डिस्कस कीपिंग इन प्लांटेशन टैंक इज एक्चुअली राइट और नॉट, यानी कि प्लांटेड टैंक में डिस्कस कितना सही है और कितना सही नहीं है। डिस्कस कीपिंग इन प्लांटेड एक्वेरियम राइट और रॉन्ग इफ एंड बट, ओके। तो ये जो सवाल है उसका आंसर सर मैं ऐसा देना चाहूंगा कि जो भी हॉबीस्ट है उनको चाहिए कि भाई मेरा टैंक सिर्फ जस्ट लाइक बॉक्स ना हो, उसमें कुछ मैं ड्रिफ्ट वुड लगाऊं, कुछ डेकोरेशन करूं, सैंड्स डालूं, ठीक है, फिर कुछ प्लांट्स लगाऊं। सो ये पॉसिबल है, ठीक है, आप कर सकते हो। बट इसमें एज अ हॉबीस्ट हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं, हम लोग जो डिस्कस का साइज लेते हैं ना वो छोटा साइज लेते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है ना कि डिस्कस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता है प्लांटेड एक्वेरियम में। सो कभी भी अगर आप प्लांटेड सेटअप बनाओ डिस्कस के लिए माइंड में रख के, तो मैं बोलूंगा कि उनके लिए आप थोड़ा स्पेशियस टैंक बनाओ। सो जैसे ये मैंने अभी मेरा ये जो टैंक है इसका डायमेंशन जो इसका विड्थ है वो 18 इंचेस है। सो रादर देन 18 इंचेस अगर आप इसको 2 फीट या फिर 2.5 फीट का अगर बनाओगे तो आप ड्रिफ्ट वुड वगैरह प्रॉपरली आप उसमें रख पाओगे, प्लांट्स लगा पाओगे, और साथ ही साथ आप डिस्कस के लिए भी एक थोड़ा जगह उसको दे पाओगे। सो बड़ा डिस्कस रखने का फायदा यह होता है कि वो प्रॉपरली सेटल होता है और वो डरता कम है। अगर आप प्लांटेड में छोटा डिस्कस डालोगे ना तो वो डरेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका प्लांटेड में बैकग्राउंड ब्लैक हो सकता है या ब्लू हो सकता है, ठीक है, फिर ड्रिफ्ट वुड थोड़ा ब्लैक या ब्राउन में चले जाता है। सो डिस्कस थोड़ा डरता है उस कलरेशन में, वो सेटल नहीं हो पाता जल्दी। बट अगर यही आप बड़े डिस्कस डालोगे सेटअप में तो आपका डिस्कस काफी अच्छे से सर्वाइव करेगा और काफी अच्छे से आपको मतलब आपसे इंटरेक्ट भी करेगा। मैं एज अ सेलर मैं प्रिफर करता हूं और एज अ हॉबीस्ट आल्सो आई प्रिफर कि मुझे डिस्कस बड़ा करने में मजा आता है। सो इसलिए मैंने जो सेटअप रखा हुआ है ये मैंने बेयर बॉटम रखा हुआ है। इसमें अभी सारे जो डिस्कस है वो हमने बहुत ही छोटे साइज से बढ़ाए हुए हैं। ये जो मेज टर्कोइज जो है तो वो तो हमने हमारा खुद का घर का ब्रीड है। सो आप देख सकते हो आज यहाँ पे लगभग 2 से 3 पेयर्स इसमें लगे हुए हैं, और ऐसे लगभग 24 पीस जो हमने सेपरेट करके रखे थे ओके फॉर अवर ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो ये काफी अच्छा हमें फीडबैक मिला है बड़े टैंक की वजह से। तो इट्स अ मिथ बेसिकली कि आप डिस्कस प्लांटेड में नहीं सकते हो, आप रख सकते हो, पर आपको उसमें मतलब जो रिक्वायरमेंट है डिस्कस कीपिंग का विद प्लांट्स ओके वो आपको फॉलो करना चाहिए। आदित्य दा, आई थैंक यू अ होल लॉट। थैंक यू सो मच अनिर्बन भाई, आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया, और कुछ कुछ जो मेरे थॉट्स है, इनसाइट्स है आज तक के हॉबी के, वो बताने के लिए आपने मुझे चांस दिया। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट।